दोस्तों नमस्कार। लीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही सुहाने गीत लेकर आया हूँ आपके लिए। कविता वासनिक जी के गीत हैं ऐसन भोले बाबाला, तो चलिए इसको आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो गीत है वो म्यूजिक से स्टार्ट होगा, देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये है गीत के मुखड़ा जो है। शुरुआत में म्यूजिक बजा, वो कैसा था? तो यहाँ पर प का बटन इस बेंजो में नहीं होता है, तो प हम खुला तार से बजाएंगे, और प धा और ये सा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे स्केल से रे है, और ये ग है, सभी नीचे स्केल है, ठीक है। देखते हैं, प धा पध सा। लेकिन हम इसको खड़ी खड़ी नहीं बजाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कर्ण स्वर जब हम लेंगे तो ये सुहाना लगेगा, ठीक है। वो कैसे देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को एक साथ ऐसे दबा रहे हैं। इसको दबाने के बाद में कुछ सेकंड के बाद में इसको दबाना है, ठीक है। सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा पहले हाथ इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो कर्ण स्वर लेंगे तभी ये जो है बहुत अच्छा लगेगा इसमें, और खड़ी लगेगा ऐसे में अगर डायरेक्ट बजाएंगे तो। वो ऐसे है, तो इस वजह से उतने सुरीली नहीं लग पाता है। जितने आप कर्ण स्वर का यूज करेंगे उतने ही अच्छा लगता है। तो कर्ण स्वर ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे तीनों में आप लहर दे सकते हैं थोड़ा कर्ण स्वर का यूज करते हुए झटके के साथ में। ठीक है, रे पे रुकेंगे, पहला लाइन पे रे पे रुके, सेकंड पे सा पे। बस स्लो मोशन में देखिए, ठीक है। ये शुरुआत का म्यूजिक है, इसके बाद गीत स्टार्ट होगा। तो गीत जो है ग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ग म ग म रे सा और धा पे जाके रुकेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है, सभी नीचे स्केल है, शुद्ध स्केल है, ठीक है। इसमें हल्का से ट्यूनिंग लेंगे, सा ग म प। उसके बाद में इसका जो चढ़ है उसको यहाँ से लेंगे धा से, यहाँ पे स्केल है प धा, ठीक है। नी सा और ये इधर म और ये गा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए स्लो मोशन में, उस
उसके आगे है और यहाँ पर यदि आप बेंजो बजा रहे हैं, यदि गीत कोई गा रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्यूनिंग आप ले लेंगे, वो ऐसा है, देखिए। तो ट्यूनिंग यहाँ से लेंगे प ध ग रे सा, ठीक है। और बजाते बजाते भी आप यदि बेंजो में केवल गीत बजा रहे हैं तो इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप चाहे तो गीत बस को बजा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसके जो म्यूजिक है उसको। म्यूजिक में जो शुरुआत में मुखड़ा लिए थे वैसी इधर की म्यूजिक है, फिर भी एक बार और ले लेते हैं। चलिए देखते हैं इतने के बस को, यह है ग प ध और सा, ठीक है। उसके बाद नी रे सा नी ध प ध, ठीक है। अब उसके आगे है देखिए पर, ठीक है। अब इसके आगे तो चलिए यहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा सा ऊपर हो जाता होगा तो आपको स्केल नहीं दिख पाता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ फिर से। यहाँ पे पास है ध और यहाँ पर कोमल नी का यूज हुआ है, ठीक है। बाकी सभी शुद्ध है, यहाँ पर कोमल नी का यूज हुआ है। म पे जाके रुकेंगे, है ना। ठीक है, ये हुआ म्यूजिक, एक बार देखते हैं। अब इसके अंतरा देखते हैं, अंतरा जो है प से है ना, देखते हैं। सही है, तो चलिए दोस्तों यहीं तक ये वीडियो है और सभी अंतर इसी तरह से हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और एक बार ओरिजिनल गाने को आप जरूर सुनेंगे और उसके अनुसार आप और अच्छे से फ्रेश कर लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।